हेलो गाइस, वेलकम टू पीपी ब्यूटीज़। अब जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कुछ ब्लशर हैं, कुछ कंसीलर्स हैं, कुछ न्यूड्स आई शेडोज़ हैं। आई शेडो का वीडियो मैं एक बार पहले भी बना चुकी हूँ रिवॉल्यूशन के। ये कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ अगर मुझे बाहर जाना होता है तो। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं मेरे पास, बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं मेरे पास, और मैं इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को सोचती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। तो गाइज़, चलिए इन चीज़ों को मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं। और जितने लोग भी हैं मेरे में ऐड हैं और जो लोग भी कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो लोग शिवाना के और स्विस ब्यूटी के इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये लूँ कि ना लूँ। तो गैज़, मैं आपको इसके सामने, अभी इस कैमरे के सामने आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि ये सब दिखता कैसे है, कितनी कंसिस्टेंसी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक फाउंडेशन, मैंने कोई हाथ में कोई भी बेस नहीं अप्लाई किया है अभी, मैं फाउंडेशन इसी पर लगाऊंगी और फाउंडेशन के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये दिखेगा कैसा अगर हम इसके ऊपर कोई भी ब्लश लगाते हैं, ये कंसीलर लगाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये स्विस ब्यूटी का ये थोड़ा सा गर्मी में मैंने रख दिया था, जो कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रखा जाता है, और ऊपर से ये थोड़ा सा पिघल गया है। ये भी बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डेट लिखी हुई है 7/2023। सी 7/2023, ये बहुत पुराना नहीं है। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक ब्रश जो मैंने उससे मंगाई हुई है, आप देख सकते हो। तो गाइज़, इसके कंसीलर के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि कंसीलर आई थिंक अच्छा है, और आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ यूज़ भी किया हुआ है। इन केस अगर आपको कहीं पर भी ऐसा है कि नहीं यार, वो कि कोई भी कंसीलर लगाने के बाद सही नहीं हो रहा है, जैसे कि बहुत काला दिख रहा है, मान लो ये दाग है मेरे हाथ का, इसे मुझे गोरा करना है, तो गाइज़ मैं इस ब्रश से पहले इस कलर को लूँगी, बाद में दूसरा कलर लूँगी जो मेरा कलर होगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप इससे नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो आप हाथ से भी कर सकते हो अप्लाई। हाथ से क्या अप्लाई करोगे, मैं ये चीज़ इसी से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सी अगर कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर गोरा हो ही नहीं रहा है, हम चाहे जितना भी कुछ भी अप्लाई कर लें वो हो ही नहीं रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये हमें एक अच्छा बेस प्रोवाइड कराता है, एक अच्छा कंसिस्टेंसी देता है। अगर हमें बहुत ही, मतलब समझ लो कि कुछ लोग हैं जिनका चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा डल है, वो उसे यूज़ करें। देखो, मैंने ये अप्लाई किया है, इसके ऊपर मैं दूसरा कलर अप्लाई करूँगी जो मेरे हाथ के साथ हो, जो मेरे चेहरे के साथ जाएगा। अगर आपके चेहरे के अपर लिप्स लोअर लिप्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं, आपको क्या लगता है, मैं ये कलर लूँगी या ये कलर लूँगी? मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बेटर, थोड़ा सा लाइट आप कंसीलर, क्योंकि अभी हमें फाउंडेशन भी लगाना है इसके ऊपर, मैंने दूसरी तरफ से लिया हुआ है। सी ये अब हम इस पे बेस तैयार करेंगे, ये लगाएंगे। आप देखना, आपको रिजल्ट अपने सामने पता चलेगा, बिल्कुल सामने पता चलेगा कि वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। ये हमने अप्लाई कर लिया, टोटली अप्लाई कर लिया, जो कि मैंने इतनी दूर पर अप्लाई किया है। कंसीलर उतनी दूर पर ही लगाएंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क है, जहाँ ज़्यादा डार्क इस प्रॉब्लम है वहीं पे लगाएंगे, नहीं तो हम फाउंडेशन का यूज़ कर लेते हैं, उससे सही हो जाता है। और मैं मेकअप का यूज़ कम ही करती हूँ, थोड़ा डेली यूज़ मैं वो लैक्मे का यूज़ कर लेती हूँ, कुछ सीसी क्रीम हो गया, कुछ बीबी क्रीम हो गया, वो सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं मुझे। आप देखो, वो पूरी तरीके से गायब हो गया है, मेरे हाथ थोड़े सांवले हैं इसकी वजह से, मैं उतने अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, और कैमरे में उतने अच्छे से आ भी नहीं रहा है। हम इसके ऊपर एक फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप देखना इसका कलर कितना अच्छा आता है।
मैं इसमें ले रही हूँ। तो गाइस देखो, मैं आपके सामने इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं थोड़ा इसको पुश करेंगे जिसकी वजह से ये अच्छे से उसके अंदर चला जाए, हाथ के अंदर चला जाए, तभी प्यारा लगेगा, ऐसे प्यारा नहीं लगेगा। सी, पूरी तरीके से हमारा ये अंदर जा चुका है, पूरी तरीके से आप देख सकते हो। इसे मैंने उंगलियों पे नहीं लगाया, आप देख सकते हो पूरी तरीके से अंदर जा चुका है। तो अब हम मैं ये कहूँगी कि स्विस ब्यूटी का ये जो है प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है, आप इसको लो। और मेरी तरफ से इसके लिए बिल्कुल एक बिग येस है, आप कह सकते हो मुझे ये पसंद आया। और मैं ब्लश आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ब्लश मेरे पास ये लैक्मे का भी है, ये मैंने लिया था मार्केट से, लिया था ऑनलाइन, तो बाई नहीं किया है। बट ये मुझे लगता है कि बहुत, अगर आपका चेहरा फेयर है तो मुझे नहीं लगता ये सही पड़ेगा, इसके बाद मैंने उसको लिया। कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे अप्लाई करूँगी यहाँ पे। पहली बात कि तुरंत 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 लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। थोड़ा सा मेरा स्किन चेहरे का, मैं उतनी गोरी नहीं हूँ तो चला भी जाता है, बट जो बहुत गोरे हैं उनके पे बहुत ज़्यादा पता चलेगा। तो मैं यूज़ करती हूँ शिवाने का, इसमें से आप बहुत बेस्ट मुझे ये लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें आप कह सकते हो कि आपको ए टू जेड सारे कलर मिलते हैं। और सबसे बेटर मुझे ये कलर लगता है, आपको कुछ भी वो लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलाइटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, सी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जनरली, अगर आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो एक ही में आपको सब कुछ मिला हुआ है, तो मैं जनरली ये यूज़ करती हूँ, नहीं तो ये यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। वैसे तो हम जब भी इसको लेते हैं तो थोड़ा सा हमें ऐसे झाड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये देखो, ये अप्लाई किया है, मैं इधर अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा लाइट है तो पता नहीं चलेगा मुझे लगता है। देखो, इन दोनों कलर में डिफरेंस है, मुझे ये बेटर लगता है इससे। तो मैं अभी रिव्यू के लिए बोलूँ तो मुझे ये बेटर लगता है, क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे कलर्स है। मैं आपको ये हाइलाइटर भी करके दिखा दे रही हूँ। इनकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी दी गई है, कि ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी कहीं से भी ख़राब है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। इन दोनों को मैंने ऑनलाइन बाई किया था, तो मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी आपके साथ। और लैक्मे के जो फाउंडेशंस होते हैं, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। मेरे पास एक लैक्मे का फाउंडेशन है, एक मेबलिन का फाउंडेशन है, ये दोनों मैं आपको दिखा दूँ। ये दोनों फाउंडेशन मेरे पास है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था, मेरा स्किन इतना फेयर नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं यूज़ कर सकती। ये मैंने 700 की 500 का लिया था, ये तो आप जानते हो कि ये थोड़ा कम में मिल जाता है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा लाइट है तो इसकी वजह से ये मैंने नहीं लिया है, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ कह सकते हो। इसमें मिरर भी है, तो मिरर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है हर किसी चीज़ के साथ। तो ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेबलिन का ये मेरा शेड है, आई थिंक 01 लाइट। और ये तो मैंने नॉर्मल लिया हुआ है, जो सब मुझे लगता है दो ही कलर ही आते हैं इसमें, तो ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो और ये न्यूड है मेबलिन का, ये मैंने 800 का लिया हुआ था, ये भी मैंने ऑनलाइन बाई किया है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। ये बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा है। ये है मस्कारा ब्लू हेवन का, मैं बहुत कॉस्टली चीज़ें यूज़ नहीं करती, तो मैंने इसको यूज़ किया है। और लैक्मे का, हाँ, ये 420 रुपीज़ का मैंने लिया था। और इसकी ये जो है, ये ऑरेंज कलर का है, और मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखा दूँ। इसका जो कलर है, इसे तो कोई पा ही नहीं सकता, बेस्ट कलर ऑफ माय लिपस्टिक। ये मेरी लिपस्टिक में से बेस्ट कलर है,
ये मेरा फेवरेट है। इसे मैं काफ़ी साल हो गए, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल होने को आ गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है। और ये मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ सीसी क्रीम, और मेरा है ब्रॉन्ज़, मैं ब्रॉन्ज़ यूज़ करती हूँ, मेरे स्किन का कलर है ये। और जो कलर बार का मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, वो है 01 शेड का। आप लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैं शेड सिर्फ बता रही हूँ आपको। तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, इसका रिव्यू मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग इसमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो आप सोचो मत, ये न्यूड कलर है, न्यूड कलर हमेशा अच्छे होते हैं, हर किसी पे हो जाते हैं, चलते हैं हर किसी पे, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो मस्ट गो ऑन, इसके साथ आप जाओ, आप लो, और मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ किया है, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। अगर आपको नहीं अच्छी लगती हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है गाइस। तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका लव और आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, और मेरी पूरी पीपी ब्यूटी की फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच।